हरियाणा ग्रुप डी में चयनित युवाओं को ईमेल से भेजे गए ज्वाइनिंग लेटर आज से शुरू हुई नियुक्ति। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वीरवार देर रात रिजल्ट जारी कर दिया है ग्रुप डी का, जिसके तहत 13,656 पदों के लिए अभी सिर्फ 10,997 यानी कि लगभग 11,000 पदों की मेरिट सूची तैयार की गई है। इन सभी को ईमेल के जरिए नियुक्ति पत्र भी भेजे गए हैं। सरकार ने सिविल सर्जनों को आदेश दिए हैं कि वह अभ्यर्थियों के मेडिकल टेस्ट के लिए अपनी टीम तैयार रखे। जल्द ही जारी होगी एक और मेरिट लिस्ट। इस मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों के आर्थिक सामाजिक अंक नहीं जोड़े गए हैं। आयोग का कहना है कि आर्थिक सामाजिक अंक जोड़कर एक और मेरिट सूची जल्द ही जारी की जाएगी, जिसमें अभी बाकी 2660 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसको लेकर आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आर्थिक सामाजिक आधार पर अंक देने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसी कारण परिणाम दो तरह से बना है। एक सूची 5 व 2.5 नंबर जोड़कर तैयार की गई है, दूसरी बिना यह नंबर जोड़े तैयार की गई है। इन दोनों ही सूची में जो कॉमन अभ्यर्थी कट ऑफ को पार कर गए उनकी फाइनल लिस्ट जारी की गई है। 12,000 युवाओं को दी नौकरियां। आचार संहिता को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि युवाओं को छुट्टी वाले दिन भी नियुक्तियां दे दी जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि योग्यता के आधार पर ग्रुप डी में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के 10,000 से अधिक युवाओं को बहुत बहुत बधाई। पारदर्शिता और मेरिट और बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी देने का संकल्प सरकार ने पूरा किया है और जल्द ही दूसरे पदों को भी भरा जाएगा।